दोस्तों मैं कमल जी, सर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के आए जिसे देख करके आपका दिमाग चकरा जाता है, दिमाग घूम जाता है कि इसको हल कैसे करें, कितना टाइम लगेगा आपको, अधिक से अधिक टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चंस को करने में। आज हम आपको गारंटी के साथ बताते हैं, अगर आपने वीडियो अंत तक देखा तो सारे कंसेप्ट के साथ आपको ऐसे क्वेश्चंस बनाने में सेकेंड्स लगेंगे। देखेंगे, आंसर कर देंगे, देखते के साथ आप आंसर करोगे। तो वीडियो को शुरू करते, वैसे दोस्त जो आज नए हैं इस चैनल पर वो वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको लगता होगा कि हम आपको आज कुछ सिखा पाए हैं तो अंत में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 2 पर पावर 60, 3 पर पावर 48, 4 पर पावर 36, 5 पर पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या कौन है? देखते के साथ आप नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सी संख्या। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले जो बेस है उसको आप लिख लो, जो बेस है सबसे पहले उसको लिख लो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऊपर जो संख्याएं दी गई है पावर में 60, 48, 36, 24, इसमें आप किस संख्या को कॉमन ले सकते हो? आप ऐसे प्रश्नों में किस संख्या को कॉमन ले सकते हो? तो कॉमन वही संख्या होती है जो इन सबका महत्तम सावर्तक होता है। कॉमन यही संख्या होती है जो इन सबका महत्तम सावर्तक होता है। तो इन सबका महत्तम सावर्तक क्या होगा? तो ऐसे प्रश्नों को महत्तम निकालते समय सबसे छोटी संख्या पे सोचते हैं, 24। 24 से तीनों कट रहा है नहीं, तो 24 का आधा 12 करो, 12 24 12 36, 12 6 48 12 5 7 23 22 ऐसे करके जाते हैं, लेकिन आप देखते साथ बता सकते हो। तो इसमें सबसे छोटी जिसको हम लोग लिख सकते हैं 12 12 25 60, यानी 2 पर पावर इस तरह से 12 3 36 और 5 3 12 2 24। आगे और छोटा हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा है, इसलिए पूरे लंबे मेथड से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम उसको सॉर्ट कर देंगे। 2 पर पावर 5 का मतलब 2 दुनी 4 4 दुनी 8, 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 दुनी 32, यानी 32 पर पावर 12। 3 पर पावर 4 का मतलब 3 3 9 होती है 27 27 81, 81 पर पावर 12, 4 4 16 64 पर पावर 12, और 5 5 25 25 पर पावर 12। यानी आप अब यहाँ क्या देख रहे होंगे कि जो 12 है वो सब में है, तो अगले टाइप से ये 12 लिखने की जरूरत है, जो भी कॉमन हो संख्या उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा हम क्या करेंगे, 12 5 60 5, यानी 32 लिखेंगे, 12 3 12 6 48 81 लिखेंगे, यानी डायरेक्ट इसके बाद ये सिर्फ लिखेंगे। और आंसर यानी जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा 81 है, 81 पर पावर 12, तो ये सपसे बड़ी होगी। तो 81 पर पावर मतलब 3 पर पावर 48, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 3 पर पावर 48। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 25 पर पावर 32। हमारा पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों? 3 पर पावर 48। उम्मीद हम देखते के साथ आप बनाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को बनाए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जल्द से जल्द बनाए, जितना जल्दी हो आप बना, फिर आप शुरू करते हैं। हम बना रहे हैं, ध्यान देंगे आप लोग, अगर आपने बनाया है तो अच्छी बात है। अब सीधा सवाल है, इसमें पहले एलसीएम निकालेंगे, ये जो भी है 5 लिख लो, 3 4 5। अब सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे दोस्तों? एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम। थोड़ा सा यहां गलती हो गया दोस्तों, यहां 2 पर पावर 50 कर दो, 2 पर पावर 50, ठीक ना, 2 पर पावर 50। तब यहां क्या होगा, 2 3 4 5। अब 20 छोटा है तो 20 से तो नहीं कटेगा, तो 10 दुनी 20, तो 10 5 50, 10 4 40, 10 3 30, 10 दुनी 20। 2 पर पावर 5 का मतलब 32, 3 पर पावर 4 का मतलब 81, 4 पर पावर 3 का मतलब 64, 5 पर पावर 2 का मतलब 25। सबसे बड़ी संख्या कौन है दोस्तों? 81, 81 का मतलब दोस्तों 3 पर पावर 40, 3 पर पावर 40 सबसे बड़ी संख्या है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग इसको ट्राई करें, पॉज करके वीडियो को। क्वेश्चन है, फिर वही चीज है, 200 पर पावर 300 एलसीएफ लेंगे, सॉरी एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ छोटा होता है, 200 से नहीं कट रहा, तो 100 से तो तीनों कट रहा है, तो 100 से काटेंगे तो 3 मरतबे, यानी 200 पर पावर 3, और ये 3 2, यानी कहता हूँ 300 और 100 दुनी 2, यानी 2। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे दोस्तों, तो 2 पर पावर 3 का क्यों, 2 दुनी 4 दुनी 8, स्क्वायर में 200 का पावर 3, यानी 2 पर पावर 3 है, यानी 2 0 को 3 बार लिखेंगे, तो 1 2 3। अब इसका 3 3 9, 2 है तो 2 बार है, तो 4 बार लिखेंगे, 2 2 4। अब देखिए सबसे बड़ा कौन हो रहा है, ये हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, ये 2 3 2 5 अंकों का है, ये 7 अंकों का है, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 200 पर पावर 3।
200 पर पावर 300, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 200 पे पावर 300। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये भी क्वेश्चन उसी तरह का, अगर आप बनाना चाहते हैं तो पहले इस वीडियो को बनाएं, इसको सॉरी इस क्वेश्चन को बनाएं, तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले 100 500 काट दो 100 से, चूंकि 100 से दोनों कट रहा है, तो 100 इक्का 100, 100 5 500, यानी 1000 पे पावर 5, 500 है। तो सीधा सा आपको तो पता चल रहा है इसमें सबसे बड़ा कौन होने वाला है दोस्तों, ये 500 है और ये 1000 पे पावर 5 है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा ये, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ये। ऐसे भी दोस्तों इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, ये छोटी संख्या छोटा पावर, बड़ी संख्या बड़ा पावर, इन दोनों में ये छोटा है ये बड़ा है, तो बड़ा ये हो गया, और इन दोनों में क्या है यही बड़ा है, तो आधार भी बड़ा और पावर भी बड़ा, तो ये करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट हमारा आंसर ये हो जाता। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों, ये है अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप लोग ट्राई करें, अटेम्प्ट करें, उम्मीद है आपने ऐसा किया होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात दोस्तों 200 300 400 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सबको छोटा करते हैं, तो छोटा करने के लिए हमने पहले भी आपको बताया इसका HCF निकालते हैं, तो सबसे छोटा 150 150 से नहीं कटने वाला, 100 से भी नहीं कटने वाला है, तो 50 दिया, तो 50 6 तो 200 पर पावर 6, और फिर 350 4 और 450 3, ठीक ना। अब देखिएगा ये 2 है और 2 पर पावर 6 है, तो 2 पर पावर 6 है, सॉरी 2 पर पावर 6 है, तो 2 × 4 × 8 × 16 × 32, अब 32 और 6 बार 2, 2 का जो 2 पेयर 2 0 है, ये 6 बार लिखा जाए, तो 1 2 3 4 5 6, 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × 12 × 13 × 14, अब ये 3 पर पावर 4 है, तो 3 × 9 = 33 81, अब ये 2 का पेयर जो है 4 बार लिखा जाएगा, 1 2 3 4, 4 × 16 × 64, और ये 3 बार लिखा जाएगा, 1 2 3। आप देख लीजिए ये 6 × 12 × 13 × 14 अंक का है, ये 4 × 8 × 10 अंक का है, ये 2 × 4 × 6 × 8 अंक का है, तो सबसे बड़ा तो दोस्तों 200 पर पावर 6 है, तो सॉरी 200 पर पावर 300 है, तो सबसे बड़ा ये हो गया। इससे बड़ी संख्या नहीं, बढ़ते क्रम में, बड़ी संख्या कौन सी नहीं, बड़ी संख्या के क्रम में, यानी में इतना को बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखा था, तो बढ़ते क्रम में क्या होगा, 200 पर पावर 6 सबसे बड़ी है, 200 पर पावर 300 सबसे बड़ा ये है, इसके बाद कौन सा बड़ा है दोस्तों, 300 पर पावर 4 नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अगर इसको लिखना होगा तो ये सीधा बढ़ते क्रम में ही लिखा चला गया है, क्या है, बढ़ते क्रम में ही लिखा हुआ है, ये आंसर यही हो जाएगा, इन चारों में से कोई आंसर हमारा, इन तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा नन। अब इस कड़ी की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन के तौर पर है, ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्तों। इस तरह के प्रश्न को करने के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको बारीकी से समझनी होगी, अगर आपने समझ लिया उस चीज को तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे और आंसर, ना तो कोई पेन उठाने की आपको जरूरत होगी, ना कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत होगी, लेकिन उससे पहले चीजों को समझना होगा, चीजों को क्या समझना, इस क्वेश्चन को समझिए, इसके बेस में 1 का डिफरेंस है, इसके बेस में 1 का डिफरेंस है, और इसका पावर में भी 1 का डिफरेंस है, अगर ऐसे क्वेश्चंस में बेस में भी 1 का डिफरेंस है और पावर में भी 1 का डिफरेंस है, तो होता क्या है कि जैसे आप समझ लें इस बात को कि 3 पर पावर 4, ठीक है, या 3 पर पावर 2, अच्छा 4, यानी 3 पर पावर 4 और 4 पर पावर 3, यानी इसका बेस 1 इससे बड़ा हो और पावर 1 इससे बड़ा हो, तो देखिए 3 × 9 = 33 81 4 × 16 = 64, अगर ऐसा हो कि उनके बेस में भी डिफरेंस हो 1 का और पावर में भी डिफरेंस हो 1 का, अगर बेस में भी डिफरेंस हो 1 का और पावर में भी डिफरेंस हो 1 का, देखिए 3 × 1 = 4 4 × 3 = 4, पावर में भी डिफरेंस है, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं 3 पर पावर 5 और 4 पर पावर 6,
या चार पर पावर पांच है, यहाँ चार समझिए, या इसको छह लेते हैं, इसको पांच लीजिए, तो तीन पर पावर छह, तीन दिया नौ नौ दिया सत्ताईस, सत्ताईस दिया इक्यासी, इक्यासी दिया दो सौ तैतालीस दिया सात सौ उनतीस, और चार पर पावर पांच, चार चक सोलह, सोलह चक चौसठ, चौसठ चक दो सौ छप्पन, दो सौ छप्पन। अगर बेस में भी एक का डिफरेंस हो, कोई भी डिफरेंस हो मैटर नहीं करता, और पावर में भी एक का डिफरेंस हो, तो ऐसे कंडीशन में बेस में भी एक का डिफरेंस हो और पावर में भी एक का डिफरेंस हो, तो ऐसे कंडीशन में जिसका पावर ज्यादा रहेगा वो बड़ा होगा। देखिए बेस में भी एक का डिफरेंस, पावर में भी एक का डिफरेंस, तो जिसका पावर बड़ा है वो बड़ा होगा। बेस में भी एक का डिफरेंस, पावर में भी एक का डिफरेंस, तो जिसका पावर बड़ा है वो बड़ा होगा। और बहुत सारे क्वेश्चन है, आठ पे पावर दो, आठ पर पावर तीन और नौ पर पावर दो, या आठ पर पावर दो और नौ पर पावर तीन, तो अठी अठी चौसठ, नौ नमा इक्यासी नमा सात सौ उनतीस, तो बेस पर पावर दिया एक का डिफरेंस है, यहां भी एक का डिफरेंस है, तो पावर जिसका बड़ा हुआ वो बड़ी संख्या कहला रहे। लेकिन ये कभी कभी फेल होता है, ये मात्र दो संख्याओं पे फेल होता है, वो वन टू और टू थ्री बस। अगर वन आप ले लो और टू ले लो, वन पर पावर एट और टू पर पावर नाइन, तो इसमें जो पावर, या वन पर पावर इलेवन और टू पर पावर नाइन, तो ऐसे प्रश्नों में आप ये नहीं कह सकते हो कि जिसका पावर बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी, क्योंकि एक पर पावर एक का मान ग्यारह होता है, यहां भी तो एक ही का डिफरेंस ना है, और दो पर पावर नौ का मान तो आप समझते ही हो, अगर दो पर पावर तीन का ही देंगे तो ये बड़ी है, तो ये आठ हो जाएगा, तो बड़ा कौन हो जाएगा ये। और यही कंडीशन दो और तीन में होता है, दो पर पावर चार, तीन पर पावर पांच। आप यहां ये नहीं कह सकते हो कि जिसका पावर बड़ा है वो बड़ा होगा, जैसे ये बड़ा है पावर, ये बड़ा नहीं, तो दो दूनी चार दूनी आठ, दो को तीन बार मल्टीप्लाई करें तीन दिया, तो ये दो केस को छोड़ करके किसी भी दो अन्य केसों में जिसके पावर, जैसे यहां दस नौ या कुछ भी, जिसके आधार में एक का डिफरेंस हो और पावर में भी एक का डिफरेंस हो, उसमें जिसका पावर बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी, इन दोनों केस को छोड़कर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1000 पर पावर एक, 1000 पर पावर 1000, यानी ये संख्या बड़ी होगी, चूंकि के बेस में भी एक का डिफरेंस है और पावर में भी एक का डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों। आंसर तो आप लोगों ने कर लिया होगा, देखते हैं सब क्यों, क्योंकि देखिए इनके बीच भी एक का डिफरेंस है, इनके बीच भी एक का डिफरेंस है, तो बड़ा कौन हो जाएगा, जिसका पावर बड़ा वो बड़ा, यानी 999 पे पावर 1000। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोले।